हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको कोटक डेबिट कार्ड ईएमआई की एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो इसको चेक कैसे करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना मैसेज वाला ऑप्शन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको टैक्स में टाइप करना है डी सी ई एम आई कैपिटल लेटर में आपको टैक्स टाइप करना है। उसके बाद स्पेस देके आपको अपने डेबिट कार्ड का जो नंबर होता है उसके लास्ट के 4 डिजिट, जो 16 अंकों का डेबिट कार्ड का नंबर होता है उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर टाइप कर देना है। इस तरह टाइप करने के बाद आपको इस मैसेज को 5676788 पर सेंड कर देना है। आप जब इस मैसेज को सेंड कर देंगे तो आपके पास रिप्लाई में मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन कोटक स्मार्ट ईएमआई। जो मेरा अब आगे पढ़ सकते हैं, योर प्री अप्रूव्ड लिमिट हैज़ एक्सपायर्ड, यानी जो मेरी लिमिट है वो एक्सपायर हो गई है। तो आप भी अपने डेबिट कार्ड की ईएमआई एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपको टैक्स में टाइप करके मैसेज को सेंड करना है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।